तो ब्लॉकचेन डिकोडेड सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि ब्लॉकचेन पढ़ते पढ़ते हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोग के लिए एक सरप्राइज है। बता दूं सरप्राइज क्या है? सरप्राइज ये है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग खुद की ब्लॉकचेन कोड करने वाले हैं। यस, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग हमारी एक खुद की ब्लॉकचेन बिल्ड करेंगे। अब मैंने सोचा कि आपने बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली है इतने सारे वीडियोस में, आपने हिस्ट्री ऑफ मनी पढ़ा, क्रिप्टो करेंसी पढ़ा, ब्लॉकचेन पढ़ा, इतना थ्योरी थ्योरी थ्योरी, तो क्यों ना हम एक लैब करें जिसमें हम लोग हमारी खुद की एक बेसिक ब्लॉकचेन बिल्ड करें और ब्लॉकचेन की जो प्रॉपर्टीज थी ना, इम्यूटेबल होता है, कैसे हैश फंक्शंस वर्क कर रहे हैं, चेन वैलिडिटी कैसे चेक हो रही, वो सब हम लोग कोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक्चुअल लैब करेंगे हम हमारे जावा स्क्रिप्ट को यूज करके खुद की एक ब्लॉकचेन बिल्ड करेंगे, एक बेसिक ब्लॉकचेन। तो अगर हमें वो चीज करना है, मतलब इसके बाद जो लैब करना है उसके लिए एक प्री रिक्वेस्ट है, वो है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आना चाहिए जावास्क्रिप्ट में। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट मैं आपको वो पूरे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिर्फ उसका एक टाइप, मतलब एक बेसिक सा चीज पढ़ाऊंगा जिसकी रिक्वायरमेंट है हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो वो है, मतलब हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑप्स इन जावास्क्रिप्ट। क्या है हमारा टॉपिक? ऑप्स इन जावास्क्रिप्ट। पर्टिकुलरली हम लोग सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइप सीखेंगे, फंक्शन प्रोटोटाइप्स। अब आपको पता है कि हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट समझते हैं यूजिंग एग्जाम्पल, तो यहां पे भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक कोचिंग सेंटर चलाते हो, आप एक कोचिंग सेंटर चलाते हो जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं फॉर इंक्वायरी। अब यहां पे अगर ये स्टूडेंट आ रहा है आपके कोचिंग सेंटर में इंक्वायरी के लिए, तो आप इसकी डिटेल्स को स्टोर करोगे, करोगे ना? आप एक कोई भी एक बच्चा आपकी कोचिंग सेंटर में आ रहा है तो आप उसकी डिटेल्स को तो स्टोर करोगे। तो ये करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप ये स्टूडेंट के साथ बैठो और उसको बोलो कि भाई तू मुझे क्या क्या डिटेल्स देगा वो बता, जैसे तू मुझे नाम देगा ना, तू मुझे क्या देगा, और अपना मोबाइल नंबर देगा, अपनी एज देगा, डेट ऑफ बर्थ देगा, कौन सी कॉलेज में पढ़ता है वो देगा, ये सब डिटेल तू मुझे देने वाला है ना। उसके साथ बैठो, पहले पूछ लो उसको कि तू कौन सी डिटेल्स देने वाला है, फिर उसके लिए एक स्पेशल फॉर्म छपवाओ, एक अलग से फॉर्म बनाओ उसके लिए, फिर उसको वो फॉर्म दो, फिर वो अपनी डिटेल्स भरेगा और फिर आप ये डिटेल्स अपने पास स्टोर कर लो। एक तरीका है। सेकंड तरीका है कि आप एक ब्लूप्रिंट फॉर्म बना लो। ब्लूप्रिंट मतलब आप एक डिफॉल्ट फॉर्म भरा बना दो जिसमें क्या है कि अगर आप मेरे कोचिंग सेंटर में आ रहे हो तो ये मेरा एक फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या इंक्वायरी फॉर्म है। जब भी कोई स्टूडेंट इंक्वायरी करने आएगा मैं उसे ये फॉर्म दूंगा, उसे अपनी बेसिक डिटेल्स भरना होगा फॉर्म के अंदर और वो मुझे ये फॉर्म दे देगा, मैं इसकी जो भी डिटेल्स रहेगी वो अपने डेटाबेस में स्टोर कर दूंगा। तो कौन सा तरीका बेटर है? अगर आप कहते हो कि तरीका वन बेटर है तो क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? जाहिर सी बात है तरीका टू ही बेटर है। मतलब आप एक ब्लूप्रिंट तैयार करोगे, आप हर एक स्टूडेंट के लिए, आप हर एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंट फॉर्म नहीं तैयार करोगे, आप एक ब्लूप्रिंट तैयार करोगे। मतलब आप एक बेसिक सा प्रोटोटाइप बनाओगे कि जब भी एक स्टूडेंट आने वाला है उसे ये बेसिक फॉर्म है, बेसिक डिटेल्स है, उसे ये भर के देना होगा। अगर वो कोई डिटेल नहीं भरना चाहता है तो ठीक है, वहां पे एनए लिख दे, नॉट एप्लीकेबल लिख दे, बट जो जो डिटेल्स उसे भरना है ये ब्लूप्रिंट फॉर्म में भरना है और वो फॉर्म में वो मुझे दे देगा और मैं अपने डिटेल्स स्टोर कर दूंगा। तो यहाँ पे काम आता है, फिर भले 100 स्टूडेंट्स आए, 1000 स्टूडेंट्स आए, कितने भी स्टूडेंट्स आए, उनके लिए फॉर्म का ब्लूप्रिंट सेम रहेगा। तो मतलब बार 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 एक टास्क करने से अच्छा हम लोग ने एक बार लॉजिक कोड कर दिए, एक बार एक ब्लूप्रिंट बना दिए और वो ब्लूप्रिंट को यूज करते हैं हम बार बार डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए। समझ में आया आपको? एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, आप कार्स बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, कार्स बनाते हो। तो अगर आप एक कार को मैन्युफैक्चर करना है तो आप हर एक कार के लिए क्या अलग अलग मशीन्स बिठाते हो कि भाई ये वाली कार के लिए ना हम लोग ये एक फर्स्ट हमारे जो मॉडल की ये कार रहेगी ना, इसके लिए टायर्स का ये ऐसा रहेगा, सेकंड के लिए अलग टायर्स रहेंगे, थर्ड के लिए अलग कैबिनेट रहेगा, फोर्थ के लिए अलग गेज रहेंगे, ऐसे तो नहीं होता ना। आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाते हो तो आप क्या करते हो, आप एक मशीन को कोड कर देते हो, ऑटोमेट कर देते हो, एक ब्लू प्रिंट तैयार कर लेते हो और वो ब्लू प्रिंट को यूज करके आप थाउजेंड ऑफ कार्स को मैन्युफैक्चर करते हो। मतलब आपने एक ब्लूप्रिंट बना दिया, उस ब्लूप्रिंट वो मशीन के ऑटोमेशन के थ्रू आप थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ कार को प्रिंट करते हो, सेम मॉडल की, सेम सेम इंटरनल डिटेल, सेम एट्रीब्यूट्स की आप कार प्रिंट करते हो। तो यहां पे काम आता है हमारा ब्लूप्रिंट। मतलब एक डिफॉल्ट सा प्रोटोटाइप
जिसको जिसमें हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं और उसके बाद में हम लोग उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। जैसे अभी ये कार का आपने डिफॉल्ट ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया, आप जितने भी कार्स आप ये मशीन के थ्रू प्रोड्यूस करोगे उसको आप ऑब्जेक्ट बोलोगे। ये स्टूडेंट के लिए आपने एक फॉर्म तैयार कर दिया, जितने भी स्टूडेंट्स ये फॉर्म भरेंगे वो आपके लिए ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो आपको समझ में आ रहा है, आप एक ब्लूप्रिंट के थ्रू ऑब्जेक्ट्स बनाते हो। ये कॉन्सेप्ट है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आपको कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाना है या आपको कुछ भी चीज को कोड करना है, कुछ डेटा को स्टोर करना है, तो आप एक प्रोटोटाइप टेक्निक यूज कर सकते हो कोडिंग लैंग्वेज के अंदर, जैसे जावास्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, सी, कोई भी। मैं आप एक तरीका यूज कर सकते हो जिसमें आप एक ब्लूप्रिंट बनाओगे, क्लास बनाओगे और वो क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, और वो ऑब्जेक्ट्स मतलब वो क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज है वो आपके ऑब्जेक्ट्स में आती है। वैसे ही जैसे एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम लोग एक ब्लूप्रिंट तैयार कर देंगे कि हमें स्टूडेंट की कौन सी डिटेल्स चाहिए, और उसको यूज करके हम लोग मल्टीपल स्टूडेंट्स बनाते। तो आपका समझ में आया, ठीक है। चलो तो हम लोग इसका देखते हैं कि हम लोग इसका एक्चुअली में करते कैसे है हमारे वीएस कोड के अंदर। चलो तो ये हम लोग आ गए हमारे वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड के अंदर मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट्स डॉट जेएस, ठीक है। अब देखो यहां पे ना दो तरीका होता है, एक क्लास होता है और एक फंक्शन प्रोटोटाइप होता है। बेटर जावास्क्रिप्ट के लिए बेटर है फंक्शन प्रोटोटाइप, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ये जो क्लास का कॉन्सेप्ट है ना वो बना ही है यूजिंग फंक्शन प्रोटोटाइप। तो हम रॉ कोडिंग करेंगे, हम खुद के फंक्शन प्रोटोटाइप बनाते हैं। होता क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पे आप लिखोगे एक फंक्शन, फंक्शन का कीवर्ड, ठीक है। अब आपको ये ब्लूप्रिंट का क्या नाम दे रहा है, जैसे मुझे एक स्टूडेंट, स्टूडेंट का एक ब्लूप्रिंट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको स्टूडेंट नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? स्टूडेंट, ठीक है। ये मेरा एक फंक्शन बन गया जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं कि हम लोग जो ब्लूप्रिंट बनाते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट बनाया, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर ये स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज देनी है, जैसे ये स्टूडेंट का नेम होगा, ये स्टूडेंट का एज होगा फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे स्टूडेंट का फोन नंबर होगा, ठीक है। अभी ये यहां तो आपको समझ में आ रहा है नेम, एज और फोन नंबर, बट ये दिस कीवर्ड क्या है, कंफ्यूजन आ रहा है कि दिस कीवर्ड क्यों लगा रहे। दिस मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, नहीं समझ में आ रहा, टेक्निकल डेफिनेशन है। चलो हमारे पेपर पे जाते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास मतलब क्या हुआ कि आपने एक स्टूडेंट का ब्लूप्रिंट बनाया कि स्टूडेंट एक कल के एक कर एक क्लास है जिसके जिसके अंदर नेम होगा, एज होगा और फोन नंबर होगा। ये एक ब्लूप्रिंट तैयार किया आपने स्टूडेंट के लिए। अब आप ये स्टूडेंट की के ब्लूप्रिंट को यूज करके एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल रमेश। रमेश जो है वो न्यू स्टूडेंट है, नया स्टूडेंट है, तो इसके अंदर क्या क्या होगा, रमेश का नाम होगा रमेश, उसकी एज होगी 20 और उसका फोन नंबर फॉर एग्जाम्पल 8888। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, मतलब ये क्लास को यूज करके हमने ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, तो इसको हम रेफर करते यूजिंग दिस कीवर्ड। समझ में आ रहा है, ये दिस क्या है, ये है ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, मतलब ये क्लास के ऑब्जेक्ट को हम लोग रेफर करते यूजिंग दिस कीवर्ड। मतलब मैं यहां सिंपली क्या बोल रहा हूं कि जब भी एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा ना यूजिंग स्टूडेंट, तो वहां पे उसकी प्रॉपर्टी होगी। ये स्टूडेंट की प्रॉपर्टी नहीं होगी, स्टूडेंट तो एक ब्लूप्रिंट है, उसकी प्रॉपर्टी होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी प्रॉपर्टी होगी नेम, उसकी प्रॉपर्टी होगी एज, उसकी प्रॉपर्टी होगी फोन नंबर। दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज, दिस डॉट फोन नंबर। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो जब भी हम लोग ये ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे हम लोग वहां पे चीजें पास करेंगे, जैसे हम लोग नेम पास करेंगे, एज पास करेंगे और फोन नंबर पास करेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या कर देंगे यहां पे, असाइन कर देंगे नेम, एज, फोन नंबर। समझ आ रहा है आपको, मतलब जब भी हम लोग ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये क्लास का, हम लोग वो ऑब्जेक्ट के अंदर नाम देंगे, एज देंगे, फोन नंबर देंगे। कैसे देंगे, कैसे न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। आपने ये प्रोटोटाइप तैयार कर दिया, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया, अभी आपको ये ब्लूप्रिंट को यूज करके ऑब्जेक्ट्स बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, आप यहां पे लिखोगे लेट स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। आप ये न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, मतलब आप क्या बोल रहे हो कि लेट, लेट मतलब क्रिएट करो। एक तरीका होता है कि बताने का कि एक वेरिएबल बनाओ, एक स्टूडेंट बनाओ, स्टूडेंट वन बनाओ जो रहेगा न्यू, मतलब न्यू स्टूडेंट टाइप का, मतलब स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगा वो, ठीक है। यहां पे आपको उसका प्रॉपर्टीज पास करनी पड़ेगी, जैसे स्टूडेंट का नाम मेरे को रखना है रमेश और इसकी एज रखूंगा मैं 20 और इसमें फोन नंबर मैं पास करूंगा 8888888 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट वन है मेरा जो है न्यू स्टूडेंट, मतलब ये स्टूडेंट क्लास का न्यू ऑब्जेक्ट है ये,
उसके अंदर मैं रमेश पास कर रहा हूं, 20 पास कर रहा हूं, 8888 पास कर रहा हूं। यहां पे वो जा रहा है और फिर वो क्या बोल रहा है कि ये जो स्टूडेंट है ना इसका नाम, क्योंकि दिस का मतलब क्या, दिस का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़े, ये क्लास का ऑब्जेक्ट, तो कौन है ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन का नाम हो जाएगा रमेश, स्टूडेंट वन की एज हो जाएगी 20, स्टूडेंट वन का फोन हो जाएगा, फोन नंबर हो जाएगा ये। समझ आ रहा है आपको? देखो कंसोल लॉग करके देखते, कंसोल लॉग इज अ प्रिंट स्टेटमेंट, जैसे हम लोग सी में प्रिंट एफ लिखते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में जावा पाइथन के अंदर हम लोग प्रिंट लिखते हैं, वैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग को अगर कुछ चीज प्रिंट करवानी होती है तो हम लोग कंसोल लॉग लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और मैं कहूँ स्टूडेंट वन को प्रिंट करवाना है, मैंने सिंपली क्या किया, मैंने एक ब्लू प्रिंट तैयार किया, मैंने वो ब्लू प्रिंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया हूं और मैं वो ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट करवा रहा हूं, तो मैंने क्या किया, कंसोल लॉग, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या जाऊंगा, मेरे टर्मिनल पे जाऊंगा, ये मेरा टर्मिनल है जावास्क्रिप्ट, वीएस कोड में हम लोग हमारे टर्मिनल को ओपन करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन रहता है, एक सेकेंड, टर्मिनल ओपन करने का ऑप्शन, देखो यहाँ पे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल पे आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप टर्मिनल ओपन करने के बाद में आपको कमांड देना नोड, अगर आपको जावास्क्रिप्ट को आपके कंप्यूटर के अंदर रन करना है तो आपको नोड जेएस लगता है, तो नोड जेएस कैसे डाउनलोड करते हैं वो आपको ऑनलाइन किधर भी मिल जाएगा, तो आप अपने कंप्यूटर में नोड जेएस डाउनलोड कर लेना, मेरे पास नोड इंस्टॉल्ड है, मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड और ये फाइल का नाम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मैं सिंपली इसको रन करूंगा ना तो मुझे क्या बता रहा है, मैंने क्या प्रिंट करने बोला उसे, स्टूडेंट वन को प्रिंट करने बोला, स्टूडेंट वन को, तो वो मुझे क्या दे रहा है, स्टूडेंट वन क्या है, स्टूडेंट ब्लूप्रिंट का एक ऑब्जेक्ट है जिसका नेम है रमेश, जिसकी एज है 20, जिसका फोन नंबर है ये, दिख रहा है आपको, समझ आ रहा है। मैं चाहता हूं मैं स्टूडेंट वन को पूरा नहीं प्रिंट कर रहा हूं, मैं स्टूडेंट वन का सिर्फ नेम प्रिंट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, स्टूडेंट वन का सिर्फ नेम प्रिंट कर रहा हूं, ये भी मैं करा सकता हूं, मैं सेम नोड ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूंगा, क्या प्रिंट हो रहा है, रमेश प्रिंट हो रहा है, मतलब मैं स्टूडेंट वन का नाम क्या है, रमेश, रमेश प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये ब्लूप्रिंट जो है, मैंने जो ब्लूप्रिंट बनाया उसके अंदर मैं फंक्शंस बनाऊं, मतलब ये ब्लूप्रिंट की जो ये प्रॉपर्टीज है ना, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी स्टोर नहीं करना चाहता, मैं उसमें कुछ काम भी करवाना चाहता हूं, तो क्या करूंगा मैं, देखो मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल बताता हूं, मैं क्या बनाऊंगा, ये स्टूडेंट का एक प्रोटोटाइप फंक्शन बनाऊंगा और मैं वो दूंगा डिस्प्ले नेम, ठीक है, डिस्प्ले, डिस्प्ले नेम या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, ये एक फंक्शन रहेगा, ठीक है। जब भी कोई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ रन करेगा तो क्या मिलेगा उसे, कंसोल डॉट लॉग, मतलब प्रिंट होगा टर्मिनल के ऊपर, क्या प्रिंट होगा, हेलो माय नेम इज, नेम प्रिंट होगा दिस डॉट नेम, मतलब ये स्टूडेंट का जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका नाम, प्लस माय नेम इज दिस एंड आई एम दिस डॉट एज इयर्स ओल्ड, क्या प्रिंट होगा, जब भी मैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कॉल करूंगा तो मुझे क्या प्रिंट मिलेगा, हेलो माय नेम इज, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा उसका नेम, एंड आई एम डैश इयर्स ओल्ड, डैश में क्या प्रिंट होगा, वही प्रिंट होगा जो वो ऑब्जेक्ट का एज रहेगी, देखते हैं हम लोग। एक और एक हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेट स्टूडेंट टू इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, यहां पे हम लोग सुरेश दे रहे, इसकी एज दे रहे 19 और इसका फोन नंबर है 777777, एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम लोग ने देखो, हम लोग को बार 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 सेम चीज नहीं करनी, हम लोग चाहे तो 1000 स्टूडेंट्स बना दे यूजिंग द सेम ब्लूप्रिंट, सेम ब्लूप्रिंट को यूज करके हम लोग 1000 स्टूडेंट्स भी बना सकते हैं, समझ आ रहा है आपको। तो वैसे मैंने दो स्टूडेंट्स क्रिएट किया, एक रमेश एक सुरेश, उसकी प्रॉपर्टी सिर्फ मैंने पास किया, सेम जो भी इसकी प्रॉपर्टी है वो स्टोर हो जाएगी और दोनों के दोनों स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू ये इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, मैं ये कंसोल लॉग हटा देता हूं, मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं स्टूडेंट वन को इंट्रोड्यूस करने बोलूं, मैं क्या बोलूं, स्टूडेंट वन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। जैसे ही मैं करके यहां पे प्रोग्राम रन करूंगा, क्या लिखे ला रहा है, हेलो माय नेम इज रमेश एंड आई एम 20 इयर्स ओल्ड, समझ आ रहा है आपको। मैंने क्या, स्टूडेंट वन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इसने ये स्टूडेंट प्रोटोटाइप में गया, चेक किया, क्या करना है, प्रिंट करना है, हेलो माय नेम इज दिस डॉट नेम, दिस मतलब ये स्टूडेंट वन का नेम क्या है, रमेश एंड आई एम 20 इयर्स ओल्ड, हेलो माय नेम इज रमेश एंड आई एम 20 इयर्स ओल्ड। मैं इसके बाद बोल रहा हूं स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, नोड हेलो माय नेम इज सुरेश एंड आई एम 19 इयर्स ओल्ड, समझ आ रहा है आपको। तो ये होता है ब्लूप्रिंट का कॉन्सेप्ट, मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कोड को प्रिंट कर देते हैं, हम लोग एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और ये ब्लूप्रिंट को यूज करके हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और हम लोग एक बार एक लॉजिक कोड करेंगे और वो सब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वो लॉजिक अप्लाई हो जाता है। मैं चाहूं तो मैं एक स्टूडेंट 3 बना दूं, लेट
लेट स्टूडेंट थ्री इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और मैं यहां पे पास करूं रमेश सुरेश महेश, इसकी एज है 16 और इसका फोन नंबर है रैंडम कुछ भी फोन नंबर, ठीक है। मैं बोलूंगा स्टूडेंट थ्री इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप देख रहे हो मुझे स्टूडेंट थ्री के लिए इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फंक्शन अलग से प्रिंट करने बनाने की जरूरत नहीं। मैं जब भी कोई ये ब्लू प्रिंट का एक ऑब्जेक्ट तैयार होगा वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फंक्शन आ जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि वो ब्लू प्रिंट है। तो मैं जैसे यहां पर भी करूंगा क्लियर करके नोड ऑब्जेक्ट और डीएस, देखो माई नेम इज रमेश सुरेश महेश, हेलो माई नेम इज महेश, आई एम 16 ईयर ओल्ड। मतलब मैं चाहूं तो 1000 स्टूडेंट्स बनाऊं, उनका डेटा स्टोर करूं, डेटा स्टोर करने के बाद मैंने जो जो लॉजिक कोड किया हो वो ब्लू प्रिंट के लिए वो सब मेरा यूज हो जाएगा इस इन ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक्चुअली ये पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इटसेल्फ इज अ वेरी वार्ज ह्यूज कॉन्सेप्ट। तो वहां पे बहुत सारे अलग अलग चीजें आती, कंस्ट्रक्टर्स आते, डिस्ट्रक्टर्स आते, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और बहुत सारी चीजें होती है। इट इज टोटली डिफरेंट थिंग जो आपको पढ़ना पड़ता है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट तरीका है कोड करने का, वो आपको सीखना पड़ता है। बट मैंने आपको उतना ही पढ़ा है जितना रिक्वायरमेंट है हमारी नेक्स्ट लैब करने के लिए, जिसमें हम लोग हमारी खुद की बेसिक ब्लॉकचेन कोड करने वाले। तो होप आपको समझ आया होगा, आप खुद हैंड्स ऑन करें, वीएस कोड खोले, खुद के कुछ ब्लूप्रिंट्स बनाए, फंक्शंस बनाए, उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, जो भी मैंने इसमें बताया आप उसे प्रैक्टिस करो। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिस हमारी लैब के साथ में हमारी खुद की ब्लॉकचेन क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।